हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल सारिया नू। माय नेम इज अजय सिडाना एंड आई वेलकम यू ऑल टू रेस अकैडमी ऑफिशियल। अज दे लैक्चर दे विच आपां करांगे एक मैगा सैशन ऑफ रिवीजन ऑफ लास्ट सिक्स मंथ करंट अफेयर। अज दे लैक्चर च पार्ट नंबर वन होएगा, पार्ट नंबर टू आएगा नैक्सट वीक दे विच, दैन अगर लोड लगी तो आपां पार्ट नंबर थ्री भी ले आवांगे। सो ये जिहड़े मैगा सैशन है, स्पैशली अगर मैं करंट अफेयर की गल करा तो थोड़ा जिहड़ा एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, आई थिंक 22 मई नूं है नैब तहसीलदार का एग्जाम, उन्हें लिए बहुत बेनीफिशियल होने वाला है। सो पिछले 6 महीनों के विच आपां जिहड़ा कुछ पढ़िया, सो ये लैक्चर एक मैं होर दसदा कि ऐप के नाल नाल ये लैक्चर ओपन प्लेटफॉर्म से भी आ रहा है। सो दैट्स वाई जिहड़ा है सब नूं ही इस चीज़ का बेनीफिट मिलेगा कि जो करंट अफेयर आपां पिछले 6 महीनों के विच पढ़े है, सो उन्दे विच किस किस तरीके के क्वेश्चन जिहड़े है वो बन सकते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट अज के लैक्चर के 40 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा कि थोड़े जीके के जनरल अवेयरनैस की आई थिंक 80 क्वेश्चन आने हैं। सो अगर 40 क्वेश्चन करंट अफेयर न रिलेटिड हो किस तरीके के क्वेश्चन जोड़े है वो बनने, थोनू यह सारी चीज़ का जोड़ा एक तरह का एक्सपैरीमेंट लगा लो या जो टैसट कर सकते हो आपकी नॉलेज नी रिवीजन है वो कर सकते हो। जिमें कि दोस्तों मैं थोड़ा दसिया कि यह लैक्चर जोड़ा है ओपन प्लेटफॉर्म से भी तुम सुन पा रहे हो, सो ता करके अगर तुम मेरे बारे नहीं जानते, वैसे 2 साल के करीब हो गया रेस अकैडमी से, सो सारे जानते ही हो, बट फिर भी अगर मैं आपके बारे थोड़ा दसा तो मेरा नाम अजय सिडाना, सो आई हैव मोर दैन 10 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन एंड क्लीयर्ड मोर दैन 10 सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स। बहुत सारे मतलब नहीं भी क्लीयर किए, बहुत सारे कई गुना ईवन। सो पिछले 6-7 सालों के तकरीबन 10 के करीब जोड़े एग्जाम है वो क्लीयर किए हैं। पिछले 3 सालों तो मैं करंट अफेयर रेगूलरली पढ़ा रहा एंड अनअकैडमी भी टीच किया, एंड आई हैव गोट द बेस्ट टीचर अवॉर्ड, टीचर ऑफ द मंथ जिन्हों कहते अनअकैडमी वाले ऑन नवंबर 2020। ठीक है जी, सो ये सारा कुछ मेरे बारे हो गया। अगर मैं रीसेंट अचीवमेंट की गल करा तो TSSB ने लास्ट सैटरडे एक रिजल्ट कढ़िया, फाइनल रिजल्ट जिंदे 20th नंबर पर जिहड़ा मैं आपके नाम के नाल SIPO लिखे है वो ता करके सीगा। ठीक है जी, सो ये होगी सारी मेरे बारे गल। सो मैनू काफ़ी मैसेजिज थोड़े सारे दे आते रहेंगे है, काफ़ी सारे ने बैचिज लै रखे है या नहीं भी लै रखे, सो कई बार ना तुम काफ़ी जोड़े मैसेजिज है मैं करते रहेंगे हो कि सर किस तरीके नाल किता, किवें किता सर, जॉब के नाल नाल फैमिली के नाल नाल बहुत रिस्पोंसिबिलिटीज़ हो जाती हैं, सो किवें सर ये चीज़ नूं ना मैनेज किया जा सकता है। सो इस चीज़ का देखो कोई एक हार्ड एंड फास्ट कोई रूल तो नहीं होंदा या मैं कोई एक अद्धी लाइन तो नहीं दस सकता, लेकिन फिर भी इतने मैं थोड़ा सारे एक चीज़ का जवाब देना चाहूँगा, वो ये है कि तुसी सारी जो इस टाइम मैनू सुन रहे हो तुसी एस्पायरेंट्स हो, यानी कि तुसी आन वाले टाइम दे विच एग्जाम देने है या ऑलरेडी तुसी जॉब दे विच हो तो प्रमोशन वास्ते या हायर ग्रेड वास्ते तुसी एग्जाम देना है, तो जो भी तुसी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, जो भी तुहानू ये चीज़ है कि आने वाले टाइम दे विच तुसी आ चीज़ करनी करनी है, तो मैं अगले 2 मिनट के थोड़ा एक छोटा जा फॉर्मूला दसदा, शायद वो फॉर्मूला किसी की जिंदगी बदल दे या वो फॉर्मूला थोड़ा अच्छा लगे तो उन्होंने जरूर आपके को लिख के रखना है, तो आप जी आप आदतों के इनकलकेट करना है। देखो तुसी आप जो भी जनरल नॉलेज पढ़ते हाँ तुम इकनोमिक इशूज़ पढ़ते हो गए, आप इकनोमिक इशूज़ के RBI एक गाइडलाइन जारी करता है MCLR। ठीक है जी, पता होएगा सबनों जिन्होंने बैच लिता होया उन्होंने तो 100% पता होएगा, बहुत बार आप डिस्कस किया होया है कि RBI की एक MCLR गाइडलाइनस होंगी है ना, पहला बेस रेट होंगी सी हूँ MCLR होंगी है कि जिंदे तो नीचे जोड़ा बैंक है वो किसी को लोन नहीं दे सकता, चलो उसको छोड़ो। ठीक है, गल MCLR की आ जाती है, अपने किसी भी तुसी कोई एग्जाम दे रहे हो ना तो MCLR थोड़े लिए बहुत इंपोर्टेंट है। तुम कहोगे सर ये की कह रहे हो, मतलब बैंकिंग का रेट तो इनू किवें रिलेट कर रहे हो, MCLR का की मतलब कोई लोन ले लिए, मैं कहना नहीं लोन वगैरह की गल नहीं कर रहा, याद रखना MCLR दोस्तों, एम का मतलब फस्ट गल करो यू मस्ट हैव अ मोटिव, थोड़े को एग्जाम क्लीयर करन दा या कोई एक चंगी पोस्ट लैन दा सरकारी नौकरी लैन दा मोटिव होना चाहिए, सब तो पहला सब तो जरूरी है मोटिव। ठीक है जी, दूसरे नंबर से जरूरी है दोस्तों सी का मतलब कमिटमेंट, मोटिव तो बाद उस मोटिव के प्रति कमिटमेंट, पूरी तरह जज्बा थोड़ा जिहड़ा होना चाहिए वो उसके प्रति होना चाहिए। फिर तीसरे नंबर पर आता है एल, एल मतलब दोस्तों लॉयल्टी, तुसी रिश्तियां की गल करते हो ना दोस्तों के गल करते होंगे कि तू लॉयल नहीं है ना, या जो भी तुसी आप समझदार हो
ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਲੋਇਲਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਇਲਟੀ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਆਪਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਦੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਫਾਇਰ ਇਨ ਯੂਅਰ ਬੈਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਖੀ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਖੀ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਦੇ ਮੋਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਟੋਟਲੀ ਲੋਇਲ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ, ਮੋਰਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰੱਖਿਆ ਕਿ 6 to 8 ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉੱਠੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਲੋਇਲਿਟੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਇਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਲਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਉਂਦਾ ਆਰ, ਆਰ ਮਤਲਬ ਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਰੈਗੂਲਰ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਗਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨਵਸ਼, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਯੇ ਵੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜੋ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲਾਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੱਢੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 2021 ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ? ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰਹੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ MCLR ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ। ਮੋਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਇਲਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਇਕੱਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਪਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜਸ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੈਲੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕਸ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ MCLR ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਜਾਂ 7-8 ਸਾਲ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਆ ਫਰੈਂਡਸ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਸਟੱਡਿੰਗ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ। ਸਿਰਫ 2-2 ਮਿੰਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਆਫ ਸਟੱਡਿੰਗ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ MCQs ਔਨ ਵੇਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲਾਈਕ ਇਕਨੋਮਿਕ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ, ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਸਪੋਰਟਸ ਫਰੋਮ ਲਾਸਟ 6 ਮੰਥ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 1, ਯਾਨੀ ਕਿ 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 2-2 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਸਟੱਡਿੰਗ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਗਰ ਨੋਰਮਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੈਕ ਬੋਨ ਆਫ ਐਨੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਿਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵਿਦ ਤੱਥ ਹੈ, ਵਿਦ ਪਰੂਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੋਲੀਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਪਨ ਹੋਈਆਂ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ 15 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਮਿਆਨ ਬੁੱਧਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਫੋੜੇ ਸੀਗੇ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀਜ਼ਮ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਤਾਰੂੜ ਪਾਰਟੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ। ਹੁਣ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਸੀਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਇਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦੀ ਪਾਸਟ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਜ਼ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ, ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਬੈਸਟ ਵੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਐਪ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ। ਰੈਗੂਲਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਵੀ ਲਾਸਟ ਮੈਂ 6, ਕਈ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ 6 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਂ 6 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ A to Z ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਪ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਪ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖੁਦ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਡੇ ਜਾਂ ਹਰ ਵੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਟੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਬੇਸਡ ਔਨ ਮਾਈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਲਏ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਬੋਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਲਦੀ ਸਰ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਸੀਵਡ ਮੋਰ ਦੈਨ 100 ਮੈਸੇਜਿਸ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਉ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵੱਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ GK ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਟੋਪਿਕ ਬਣਾਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 40 ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 50 to 60 ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਦੇਖਣ ਦੇ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਔਨ ਯੋਰ ਸਕਰੀਨ ਏ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੰਸੀਡਰ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕਸ ਐਂਡ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਡੇ।
स्टेटमेंट नंबर वन, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 23rd ऑफ अप्रैल एवरी ईयर, द सेम डे ऑन विच यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड. स्टेटमेंट नंबर टू, वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021 वाज ग्वाडालाजारा, वेयर एज इन 2022 तबिलिसी हैज बीन सिलेक्टेड एज द वर्ल्ड बुक कैपिटल. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू. सो जिहड़े 40 क्वेश्चन आणगे मैं की तुहानू दसणी चाहूंगा, आप देख लो कॉपी पेन खोलो ते एक तो लैके 40 सीरियल नंबर लिख लो ते मेरे आंसर देने तो पहला तुसी आपका आंसर उत्थे लिखना है. ये उन्हां स्टूडेंट्स वास्ते है जिहड़े मैनू ऐप दे विच सुन रहे हैं ते जिहड़े मतलब ओपन प्लेटफॉर्म ते देख रहे हैं, तुसी जिहड़ा है ना चैट बॉक्स दे विच भी आंसर लिख सकते हो. अदरवाइज तुसी प्रोपर तरीके नाल अगर करना है तो तुसी भी पेज चको ते आपके पेज के उपर जिहड़ा है ना वो इहदा आंसर लिखो मेरे आंसर देने तो पहला, ताकि तुसी प्रोपर तरीके नाल आपका जिहड़ा स्कोर है उन्हूं कैलकुलेट कर सको. हाँ जी, सो की जवाब आएगा जी, इनका केड़ी केड़ी स्टेटमेंट जो सही है, पहली सही है, दूसरी सही है, या दोनों ही सही है गी है, या दोनों ही गलत है गी है. क्वेश्चन आ रहे हैं वर्ल्ड बुक एंड कैपिटल डे दे ऊपर. सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वन ओनली. बिल्कुल देखो जी, अगर आप पहली स्टेटमेंट की गल करिए वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल नूं हुंदा है, द बर्थ एज वेल एज डेथ एनिवर्सरी ऑफ मिस्टर शेक्सपीयर की जी डैथ एनिवर्सरी बर्थ एनिवर्सरी दोनों ही 23 अप्रैल में होंगी है उदों, तो उस दिन ही यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे भी सैलीब्रेट होंगे, ईवन स्पैनिश लैंग्वेज डे भी उस दिन होंगे. ठीक है, दूसरी जी स्टेटमेंट है वो गलत क्यों हैगी है, कईयों ने सही की होएगी, सूँ समझ नहीं आ रहा होगा कि सर गलत क्यों है, तुम भी तो करवाया सीगा. बिल्कुल, अगर आप वर्ल्ड बुक कैपिटल की गल करिए जिहड़ी है ना ग्वाडालाजारा, ठीक है, थोड़ा जहा टिपिकल टंग ट्विस्टिंग नाम है, यह हैगा मैक्सीको दे विच, ये है दोस्तों 2022 दी लेटेस्ट, ते जिहड़ी आ तबलीसी है ना तबलीसी ये है 2021 दी. यानी कि ऐसे तरीके नाल एग्जामिनर थोनू कन्फ्यूज करेगा, तुसी टाइम है थोनू क्यों किया कि 6 महीने का करंट अफेयर तुसी 6 दिनों च नहीं कर सकते क्योंकि थोनू कन्फ्यूजन होएगी. यही चीज़ दी देखो किवें किन्ना ट्रिकी रखिया कि सिटीज़ उही दित्तियां जिहड़ियां इस साल ते पिछले साल सी, लेकिन उन्हों ईयर वाइज ईयर जिहड़ा है ना वो तब्दील करता. सो मैक्सीको की ग्वाडालाजारा जी हैगी है वह 2022 भी है तो 2021 तबलीसी. ठीक है, सो करके सैकेंड स्टेटमेंट गलत है, वन ओनली विल बी द राइट आंसर. सैकेंड पर चलते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करैक्ट कंबीनेशन ऑफ द पार्ट एंड शेड्यूल रिलेटिड टू लैंग्वेज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्ट 15 शेड्यूल 7, पार्ट 17 शेड्यूल 7, पार्ट 17 शेड्यूल 8 या पार्ट 15 शेड्यूल 8. इन्हां चो करैक्ट कंबीनेशन केड़ा है जिहड़ा लैंग्वेजिज नूं अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच दिखांदा है पार्ट ते शेड्यूल दे विच, केड़े पार्ट ते केड़े शेड्यूल दे विच लैंग्वेजिज मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे विच. So the right answer to this question is part number 17 and schedule number 8. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਵੋਰ ਛਿੜੀ, ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੋਰ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਹੈ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨੜ ਐਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਸੀ ਐਮ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ. ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਓਕੇ ਦੱਸੋ. ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਥਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ.
ठीक है जी। हुण अगर आपां इंडिया दी गल करिए तां इंडिया दे विच दोस्तों कोई भी नैशनल लैंग्वेज नहीं हैगी। अपनियां दो ऑफिशियल लैंग्वेज हैगियां इंग्लिश ते हिंदी। 22 अपनियां शेड्यूल्ड लैंग्वेज है 22 जिहड़ियां कि पार्ट नंबर 17 च आंदियां ते शेड्यूल नंबर 8 च आंदियां, ठीक है। 6 अपनियां दोस्तों क्लासिकल लैंग्वेजिस हैगियां। क्लासिकल लैंग्वेज की हुंदा है? क्लासिकल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होंदी है जिंदे ते आपां नूं अपने पूर्वजां दे कोई लिटरेचर या कोई भी आपां नूं बहुत ही प्राचीन सभ्यता दे लेख आपां नूं उन्हां लैंग्वेजिस दे मिले होण तां वो होंदी है क्लासिकल लैंग्वेजिस। ऑफिशियल अपनियां कीड़ियां है? हिंदी ते इंग्लिश। ते शेड्यूल्ड कीड़ियां है? शेड्यूल्ड है दोस्तों 22। इहदे ते क्वेश्चन काफ़ी हद तक बन जांदा है। शेड्यूल्ड लैंग्वेज ये 22 हैगी है। जदों संविधान लिखा गया सी उदों सीगियां 14। स्टार्टिंग तो की सीगा 14 जिहड़ियां सीगियां ना इनिशियली इनकलूडिड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन सीगियां। फिर 21वें अमेंडमेंट 1967 दे विच सिंधी लैंग्वेज नूं ऐड कीता गया। फिर कोंकणी मणिपुरी नेपाली इन्हां तीन नूं ऐड कीता गया 71st अमेंडमेंट दे विच 1992 दे विच। फिर 92nd अमेंडमेंट जिहड़ा कि 2000 दे विच होया उदों कीता गया बोडो डोगरी मैथिली ते संथली, ठीक है जी। ये कितनियां गईयां लैंग्वेजिस? टोटल लैंग्वेजिस हो गईयां 14। ते अगर आपां क्लासिकल लैंग्वेज की गल करिए तो टोटल हैगियां दोस्तों 6 क्लासिकल लैंग्वेजिस जिन्हां नूं क्लासिकल स्टेटस मिलिया। पहली सी तमिल जिन्हों 2004 दे विच मिलिया। दैन संस्कृत, कन्नड़, तेलगू, मलयालम एंड उड़िया, ये 6 जिहड़ियां लैंग्वेजिस है ये भी अपने 8th शेड्यूल दे विच मैंशन हैगियां। तो क्वेश्चन की सीगा, गल नूं समझो, क्वेश्चन सीगा 17th पार्ट ते 8th शेड्यूल दे विच की दिता गया लैंग्वेजिस मैंशन हैगी है। सो ये क्वेश्चन क्यों बनिया ते की डिटेल है ये सारी आपां डिस्कस, ठीक है जी। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एज पर रीसेंट न्यूज द 21st एडिशन ऑफ वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स विल बी हेल्ड इन नवंबर 2022 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? चाइना, इंडिया, पाकिस्तान या इजराइल? रीसेंट दी खबरों के मुताबिक 21वां एडिशन होएगा वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स। अकाउंटेंट ना ये जेडे ICAI है उन्होंने द्वारा ये किया जाऊगा, विल बी हेल्ड इन नवंबर 22। मैं ICAI बोलता थोड़ा रुक गया क्योंकि क्वेश्चन का हिंट थोड़ा मिल गया। अगर ICAI है तो ओबियसली इंडिया इनू जोड़ा है ना वो होस्ट कर रहा है। ICAI चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जिहड़े इन्हां दी एसोसीएशन है जिहड़े CA वगैरह की डिग्री देंदे है उन्होंने ये जिहड़ी करवानी है इंटरनेशनल कांग्रेस या वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स नवंबर 2022 च होएगी। 21वां एडिशन होएगा कि इस वरीए इंडिया दे विच हो रही है। ओके है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 ते चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज नॉट रिलेटिड टू द यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? दलहस्ती प्रोजेक्ट, सलाल डैम प्रोजेक्ट, नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट या किशन गंगा हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट? क्वेश्चन नूं ध्यान नाल समझो कि जिहड़े नीचे जिहड़े हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट दिते गए है इन्हां चों किहड़ा जम्मू एंड कश्मीर नाल रिलेट नहीं करता? दलहस्ती प्रोजेक्ट, सलाल डैम, नाथपा झाकरी या किशन गंगा? सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट। सो चार देखो थोनू अजकल ना PPSC ने खास करके ये चीज़ शुरू करता इंडियन ज्योग्राफी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो नैशनल जिहड़े पार्क हो गए, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो गए, ईवन न्यूक्लीयर प्रोजेक्ट हो गए, ये सारे भी थोनू नाल आने चाहिए है। सो ये क्वेश्चन आया कि यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दे विच केड़ा हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं हैगा। हुण तुसीं इत्थे मेरे तों ये पुछोगे या आपसी च गल करोगे कि सर हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट तां जिहड़े अपने जिहड़ी भी स्टेट दे विच थोड़े बहुत भी माउंटेन्स हैगे है सो उत्थे हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैगे है। सो हर स्टेट दे विच 10-10 15-15 20-20 होणगे कि असीं सारे पढ़ने हैं जम्मू एंड कश्मीर दा ही क्यों पुछा गया? तो देखो इत्थे फिर उही चीज़ आ जाती है जिहड़ी मैं तुहानूं कहा कि करंट अफेयर आपां नूं रैगूलर करने पैणगे। जिहड़ी चीज़ न्यूज़ दे विच है उस नाल रिलेट करती हुई चीज़ एग्जाम च पूछी जाएगी। देखो किस तरीके नाल जिवें द हिंदू दे विच आ न्यूज़ आई जम्मू एंड कश्मीर हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट अप्रूव्ड, ठीक है। सो इत्थे की प्रोजेक्ट आया, इत्थे की न्यूज़ आई कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA जिन्हों प्रधानमंत्री जी चेयर करते हैं उन्होंने 4526 करोड़ की एक अप्रूवल दी 540 मेगावाट K
केवार हाइड्रोइलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिहड़ा कि चिनाब रिवर के उपर बनाया जा रहा है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट दे विच जम्मू एंड कश्मीर दे विच। सो ऐसे तरीके नाल सो इत्थे आपां नूं की पढ़ना पएगा कि अगर जम्मू एंड कश्मीर का एक प्रोजेक्ट हाइड्रोइलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट न्यूज़ दे विच है तो होर किहड़े-किहड़े हाइड्रोइलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर दे विच हैगे है वो तुसीं कीवें करोगे। देखो नाल जिवें एक एक प्रोजेक्ट कि आ सारे जिहड़े प्रोजेक्ट है ये उत्थे हैगे है जिवें बगलीहार चिनानी चिनानी थ्री जो दलहस्ती ठीक है गंडरबाल इकबाल किशन गंगा लोअर झेलम नीमो बाजगो ठीक है दैन सलाल रंजीत सागर डैम ठीक है जिहड़े मैं मेन मेन बोली है ना उरी वन उरी टू तो इस तरीके नाल आपां नूं करने पैंदे है। नाल नाल देखो रिवर्स भी हैगी है कि कि रिवर से ये डैम बने हुए तो ये मैं थोड़ा नाल नाल आइडिया दे रहा कि किस तरीके नाल असीं डेली बेसिस के उपर करंट अफेयर आपां करते हाँ लगातार करते हाँ कि कोई न्यूज़ आई न्यूज़पेपर तो उस न्यूज़ नूं चक्को तो उसका जिहड़ा एनालिसिस करो कंप्लीट उहदी जिहड़ी नाल रिलेट करती हुई जनरल नॉलेज है वह भी नाल आपां डिस्कस करिए। ओके है जी अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियाज फर्स्ट ग्रेन बेस्ड इथेनोल प्लांट इज इनोग्रेटिड रीसेंटली। बिहार तेलंगाना उत्तराखंड हरियाणा इंडिया की कौन सी स्टेट के विच रीसेंट दे विच इंडिया का पहला ग्रेन बेस्ड ठीक है जी अनाज या फसल बेस्ड जो इथेनोल प्लांट है वह इनोग्रेट किया गया। कितने किया गया दोस्तों बिहार के विच तेलंगाना च उत्तराखंड च या हरियाणा च तो ये किया गया बिहार के विच बिहार के सीएम श्री नीतीश कुमार जी ने इनकी जी उद्घाटन है वह किया जिंदे च फसल बेस्ड ग्रेन बेस्ड जिहड़ा इथेनोल लगाया जाएगा ताकि आने वाले टाइम के गवर्नमेंट का जो टारगेट है इथोनेल इथेनोल ब्लेंडिंग पेट्रोल का वो पूरा किया जा सके। ठीक है जी अगे चलते हैं पी वी सिंधु हु रीसेंटली वॉन ब्रोंज मैडल इन एशियान एशियन चैंपियनशिप हैल्ड इन मेनीला रिलेटिड टू विच स्पोर्ट टेनिस बैडमिंटन स्क्वैश या वेट लिफ्टिंग यह सब ही आता होगा। पी वी सिंधु बहुत ही पॉपुलर नेम है पिछले दो ओलंपिक्स के इन्होंने मैडल जीते है ब्राजील ओलंपिक के इन्होंने 2016 जो होया इन्होंने जोड़ा है वो सिल्वर मैडल आया तो इस बारी जो जापान के होया ब्रोंज मैडल आया सो ये रिलेट करते हैं जी बैडमिंटन के नाम। ओके है क्वेश्चन नंबर 7 से चलते हैं अ फॉरैसट कंजरवेशन मूवमेंट पॉपुलरली नोन एज चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टिड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर 1973 1983 1986 या नन ऑफ द अबव। फॉरेस्ट कंजरवेशन मूवमेंट होया सीगा चिपको मूवमेंट एक केड़े ईयर दे विच होया सीगा तो द राइट आंसर इज 1973 क्यों क्वेश्चन ये चिपको मूवमेंट का 1973 च होया क्वेश्चन हुण क्यों बनिया ठीक है क्वेश्चन हुण इस करके बनिया क्योंकि रीसेंट दे विच छत्तीसगढ़ स्टेट दे विच एदा ही चीज़ जिहड़ी है वो होई है जिहड़ा कि उन्होंने एक फॉरैसट नूं बचाण वास्ते लोगों ने जिहड़ा है वो पेड़ां नूं जिवें आपां कहिंदे कि पेड़ां नूं पेड़ां दे नाल चिपक गए कि उहदे नाल कि पहलां सानूं जिहड़ा है ना पेड़ां तों कट्टण तों पहलां सानूं कट्टो सो उस करके चिपको मूवमेंट दोबारा न्यूज़ दे विच रिहा। चिपको मूवमेंट जिहड़ा कि उत्तराखंड दे विच होया सी वैसे 1973 दे विच तां उत्तराखंड नहीं सीगा उस टाइम ते उत्तर प्रदेश दा ही पार्ट सीगा उत्तराखंड तां सन 2000 दे विच बणिया है सो उस टाइम ते उत्तर प्रदेश दे विच जिहड़ियां हिमालयन दीआं फुट हिल सीगियां उहदे विच सुंदर लाल बहुगुणा जी की अगुवाई दे विच ये चिपको मूवमेंट जिहड़ा है वो होया सीगा। उस तो बाद लगातार थोड़े थोड़े टाइम बाद ही वातावरण नूं बचाउण वास्ते इदां दे जिहड़े इवेंट है वो हुंदे रहे है ठीक है जी जिवें कि 1983 इत्थे ऑप्शन दिता होया 1983 दे विच अपीको मूवमेंट होया सीगा कर्नाटका दे विच वो भी इंपोर्टेंट है अपीको मूवमेंट वो 1983 दे विच होया सीगा। अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की गल करते हैं रीसेंटली इसरो हैज अनाउंसड टू लॉन्च SSLV इन द ईयर 2022 वट डज एस स्टैंड फॉर इन दिस एब्रीविएशन स्मॉल स्पैशल सिंक्रोनस या सूटेबल। इसरो ने हाल फिलहाल दे विच किया कि असी SSLV जिहड़ा है वह 2022 ही लॉन्च कर देंगे हुण SSLV दे विच जिहड़ा पहला एस है वह किंदे किहड़े वर्ड लई स्टैंड करता है SSLV स्मॉल स्पैशल सिंक्रोनस या सूटेबल दसो जी फटाफट तो द राइट आंसर इज स्मॉल स्मॉल
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सो इसरो दे चेयरमैन डॉक्टर एस सोमना उन्होंने ये अनाउंस किया कि असी 2022 दे विच ही जिहड़ा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उन्हूं असी की कर देंगे, उन्हूं असी जिहड़ा है वह फंक्शन दे विच ले आवांगे। तो की चीज़ है जी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सो इत्थे तुसीं सारा देख सकते हो, ये मैं वैसे ही एक एग्जाम्पल दिता हैगा, टाइम टू टाइम हर क्वेश्चन दे विच एग्जाम्पल दे रहा कि इस तरीके नाल उहदी जिहड़ी डिटेल है लगातार पढ़ते हाँ। सो उहदे विच एक चीज़ होर की होंदी है, जिवें आ तां चलो आ गया स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इट मीनस कि होर भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होणगे। तुसीं PSLV बारे पढ़ते हो, तुसीं GSLV बारे पढ़ते हो, तो सब कुछ अगर न्यूज़ आई स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बारे तो आपां नूं बाकी जिहड़े सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उन्होंने बारे भी सारी चीज़ पता होनी चाहिए है। देखो जिवें स्टार्टिंग तो इसरो ने की किया सीगा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पहला SLV चलते होंगे सीगे नॉर्मली, ठीक है, तो उस तो बाद आए ASLV दैट इज़ ऑगूमेंटिड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बहुत घट पेलोड होंदा सीगा, ठीक है। जिवें देखो ASLV दे विच 150 kg के करीब ही पेलोड रख्या जा सकता सी, 1990s दे विच इसका यूज होंदा सी। फिर आया दोस्तों मेन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, PSLV नू जिहड़ा लॉन्च किया गया 1994 दे विच, ते ये काफ़ी इंप्रूव्ड जिहड़ा वर्जन सीगा। सो हुण तक अगर किया जाए तो PSLV इज़ दी मोस्ट रिलायबल रॉकेट यूज्ड बाय इसरो टिल डेट, 54 फ्लाइट्स चों 52 जिहड़ियां फ्लाइट्स है वो सक्सैसफुल रही हैं। आपां जिहड़ा चंद्रयान 1 भेजा सी 2008 दे विच, मार्स ओरबिटल स्पेसक्राफ्ट 2013 दे विच, सो ये सारे आपां PSLV दे थ्रू भेजे सीगे। फिर जो होर ज़्यादा वर्कलोड की लोड हुई तो बनाया गया GSLV जियोसिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जिहड़ा है ना ये 10,000 kg तक का जिहड़ा सैटेलाइट है उन्हूं लोअर अर्थ ओरबिट दे विच ले जा सकता है। लोअर अर्थ ओरबिट होंदा 200 तो लैके 2,000 किलोमीटर तक लोअर अर्थ ओरबिट होंदा, सो उत्थे GSLV द्वारा जिहड़े वड्डे वड्डे सैटेलाइट है वो लॉन्च किए जाते हैं। तो हुण रीसेंट दे विच ये लॉन्च कर रहे हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है जी, जिंदे च जिहड़ियां छोटियां सैटेलाइट्स होंदियां ना उन्हां नूं भेजन ते घट तो घट जिहड़ा खर्चा है वह आ सके। फिर थोड़े दिन पहला इसरो ने एक चीज़ होर कही सी कि वो किंदे ते वर्क कर रही है, वो वर्क कर रही है रीयूजेबल रॉकेट्स से, यानी कि जिन्होंने फ्यूचर रॉकेट का नाम दिता जाएगा। हुण तक की होंदा है जदों भी कोई सैटेलाइट भेजना होंदा है अंतरिक्ष दे विच तां जिहड़ा रॉकेट होंदा ना वो रीयूजेबल नहीं होंदा, वो नीचे गिर के उन्हूं किते ना किते समुंदर दे विच या किते गिराना पैंदा है। सो किसी भी एक सैटेलाइट नूं 1 किलो की सैटेलाइट नूं भेजने वास्ते तकरीबन $20,000 का खर्चा जिहड़ा है वह पै जांदा है। सो तां करके आने वाले टाइम दे विच जिस तरीके नाल SpaceX यूज़ करता है उस तरीके नाल इसरो भी रीयूजेबल रॉकेट यूज़ करेगा, कि रॉकेट का अज के टाइम अगर आप गल करिए मेजर पोर्शन जिहड़ा है वो अंतरिक्ष दे विच खत्म हो जाता है, बहुत ही माइनर पोर्शन वापस मिलता है। लेकिन इसका बिल्कुल उल्ट होएगा कि आने वाले टाइम दे विच जिस तरीके नाल एयरक्राफ्ट एक जगह तो दूजी जगह सवारियों नूं छड्ड के वापस आ जाता है, उस तरीके नाल रॉकेट भी सैटेलाइट नूं छड्ड के वापस आपकी उस पोजिशन से वापस आ जाए, ताकि कोई माइनर पोर्शन दोबारा बनाना पवे, मेजर पोर्शन जिहड़ा है उन्हूं रीयूज किया जा सके। तो इहनूं कहिंदे आ RLVTD दैट इज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टैक्नोलॉजी, ते इहदा डेमोनस्ट्रेटर ऑलरेडी जिहड़ा है वह एक्सपैरीमेंट कर लिता गया। ओके फ्रेंड्स, अगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 9 की गल करते हैं। Consider the following statement regarding NABARD. First, its headquarter is in New Delhi. Second, its current head is S. Somnath. Statement number 3, it recently launched Farmer Distress Index in India. Which of the above statement or statements are not true? Only 1 and 2, only 2 and 3, only 3 ya only 2? Which of the above statement or statements are not true? So the right answer to this question is only 1 and 2. Confused hoye honge? Ethe main tuhanu dassda, jadon vi tusi statement wale question exam de vich dekhoge, jadon vi ki jehda tusi NAB taseeldar da paper dena hai, cooperative inspector da dena hai, unde vich ta most of the question tuhanu statement wale dikhange. उन्दे में तुसी क्वेश्चन जदों ही क्वेश्चन देखो ना तो आपके क्वेश्चन पेपर के उपर इस तरह लिखना है 1, 2, 3 जिन्या भी स्टेटमेंट है। उस तो बाद अगर तुहानू स्टेटमेंट आती है तुहानू पता लग गया कि यह स्टेटमेंट सही है तो उनते टिक लगा दो, गलत है तो क्रॉस लगा दो, नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है, ताकि तुसी आंसर जिहड़ा है वह सही कर सको। जिवें फॉर एग्जाम्पल तुसी अगर ऐसे क्वेश्चन नू देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग NABARD, NABARD मतलब नैशनल
बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तुम्हें याद आ गया नाबार्ड, एकदम थोड़े दिमाग के सारिया चीज़ा घूमिया चाहिए। जो ही तुम नाबार्ड देखा थोड़े दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए है, उत्थे आना चाहिए भी हाँ इन्ना कदों बनया सी नाबार्ड 12 जुलाई 1982 याद आना चाहिए थोनों, ठीक है थोनों याद आना चाहिए। इन्हें हैड हैगी है जी आर चिंताला, थोनों याद आना चाहिए भी इनका हैडक्वाटर है मुंबई के। सो ऐसे नाल ही कई स्टेटमेंटा हल हो गई जे थोनों आ याद आ गया हैडक्वाटर न्यू दिल्ली के है नहीं बेंगलोर तुम क्या मुंबई के है तो पहली स्टेटमेंट की होगी गलत होगी। थोनों याद आया कि इन्हें हैड हैगे है जी आर चिंताला जी तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत होगी। या थोनों ये याद आ गया भी इसरो के तो एस सोमनाथ, थोनों याद आया भी ये नाम तो सुना सुना जहा है एस सोमनाथ, नहीं नहीं यह तो इसरो के हैड है जिन्होंने हुने हुने कहा कि असी शुक्र यान लॉन्च करा 2024 के ना हूँ कल के न्यूज़पेपर ची कल परसों के न्यूज़पेपर ची ये स्टेटमेंट हैगी है। सो थोड़ा याद आ गया भी आ स्टेटमेंट भी गलत हैगी है। तीसरे नंबर पर आ गया इट रीसेंटली लॉन्च्ड फार्मर डिस्ट्रेस इंडैक्स, बिल्कुल सही है नाबार्ड ने कहा कि असी फार्मर डिस्ट्रेस इंडैक्स रीसेंट के जारी करा। सो हूँ पूछा की है, पूछा गया विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नोट ट्रू, ये गल ध्यान देखनी है कि ट्रू पूछा या नोट ट्रू पूछा है। सो नोट ट्रू कि 1 and 2, सो 1 and 2 विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 10, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिसेंटली। लेफ्टिनेंट जनरल एम एम नरावने, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल बी एस राजू या डी नन ऑफ द अबव। हेठ लिखिया चो रीसेंट दे विच किन्ना दी अपॉइंटमेंट हुई है एज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो इंडिया दी 13 लाख दी आर्मी, खास करके अगर आप गल करिए थल सेना, ठीक है। सो उन्होंने रीसेंट दे विच पहला 30 अप्रैल तो पहला एम एम नरावने जी चीफ होंदे सीगे, 30 अप्रैल नू नरावने जी दी रिटायरमेंट हुई। सो उन्हां दी जगह ते लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी नू बनाया गया वाइस, मनोज पांडे जी नू बनाया गया चीफ, जिहड़े कि पहला वाइस चीफ सीगे। सो हुण उन्हां दी जगह ते जिहड़ा वाइस चीफ बनाया जाना सीगा वो वाइस चीफ बनाए गए है लेफ्टिनेंट जनरल बी एस राजू, ठीक है जी। सो 10 क्वेश्चन हो गए, फटाफट आपका जिहड़ा है ना रिजल्ट देखो कि 10 दे 10 क्वेश्चनां चों तुसीं सही कीते है या नहीं कीते, या किन्ने तुहाडे मार्क्स 10 चों आ रही है, ठीक है जी। हूँ हौली हौली थोड़ी थोड़ी मैं ना स्पीड इनक्रीज करता जाऊँगा कि जिमें थोड़ा शुरू तो दसता काफ़ी डिटेल्स भी दस दी। सो थोड़ा कई कई क्वेश्चन जोड़े है ना वो रैपिड फायर आएंगे। चलो अगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज द न्यूएस्ट रिपब्लिक। बारबडोस, पुएर्टो रिको, पनामा या नन ऑफ द अबव। हेठ लिखिया चो कि कंट्री रीसेंट दे विच एक नवी रिपब्लिक बनी है। कोई भी कंट्री रिपब्लिक कदों होंदी है जदों वो आपदे डिसीजन खुद ले सकती है, ठीक है, वो होंदी है कंट्री रिपब्लिक। सो जदों अगर आप या चलो आपदे डिसीजन ले सकती है वो चीज़ थोड़ी जी होर आ जाती है। रिपब्लिक वो होंदी है कंट्री जिंदा इलैक्टिड हैड होवे, जिंदा हैड जिहड़ा है ना वो इलैक्टिड होवे उन्हूं भी रिपब्लिक जिहड़ा है वो कह दिंदे आ आपां। सो रीसेंट दे विच दोस्तों बारबडोस जिहड़े एक आयरलैंड है जिंदी तुसीं क्रिकेट टीम दे विच वैसट इंडीज़ दे विच देखदे हो बारबडोस, सो उन्हें आपके 400 साल पहला ये ब्रिटिश कलोनी बनिया सीगा, ठीक है। सो हुण इन्हें जिहड़ा है आपके जिहड़ा एम्पीरियर अगर आप गल करिए क्वीन एलिजाबेथ 2 नू नहीं तो बल्कि मतलब ये नवा रिपब्लिक बनया। वैसे 55 ईयर्स हो गए इनकी इंडिपेंडेंस नू, बट इन्होंने जिहड़ा आपके राणी का खिताब वो क्वीन एलिजाबेथ 2 नू ही दे रखिया सीगा। सो हुण इन्हें डिक्लेयर किया कि इट विल बी द रिपब्लिक एंड, लेकिन एक कॉमनवेल्थ नेशन का पार्ट रहेगा। कोई मैं दस सकता है हाउ मैनी मैंबरस आर देयर इन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। हुंदा की है वैसे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन वो हुंदा है कि वो देश जिहड़े कदे ना कदे, ठीक है, किसी भी टाइम लई वो ब्रिटिश क्वीन दे अधीन रहे, जिवें कि इंडिया भी सीगा, ठीक है। सो वो हुंदी है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। सो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का एक ग्रुप बनया हुआ है उनके किनिया कंट्रीज है, कमेंट बॉक्स में लिखो तो जिहड़े ऐप से सुन रहे हो वो आपके को नोट करो कि किन्ने होंगे है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन एवरी 1st of December सिंस विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। 1987, 1989, 1988 या 1992। सो डेज तो पुरानी गल होगी कि थोड़े तो सिंपली पूछते सके कि वर्ल्ड एड्स डे कदों है, तुम उन्हें 1 दिसंबर से टिक कर देंगे।
ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਏਡਸ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵਰਲਡ ਏਡਸ ਡੇ। ਸੋ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 1988। ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕੋਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਬਾਈ ਵਿਚ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ? ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ, ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ? ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕੋਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੈਕਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੋਪ ਕੰਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਬੋਟਮ ਕੰਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ EIU, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕੋਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਸਟਲੀ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਈ ਦੋਸਤੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਿਟੀ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਪੈਰਿਸ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪੈਰਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੋਪ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੈਰਿਸ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸੈਕਿੰਡ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਟੋਪ 'ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਆਈ ਤੇਲ ਅਵੀਵ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਟੂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੰਡਕਟਿਡ ਦੀ 11th ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਜੁਆਇੰਟ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਕੋਵਰੀਨ? ਇਕੋਵਰੀਨ ਨਾਮ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ 11th ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ? ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਮੋਰੀਸ਼ੀਸ, ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ, ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਮਾਲਦੀਵਸ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਸ਼ੇਸਲਸ? ਇਕੋਵਰੀਨ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਕੋਵਰੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫਰੈਂਡਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੋਸਤੋ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15, ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਂਚਡ ਕੋਲ ਯੂਅਰ ਕੋਪ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਜਾਂ ਝਾਰਖੰਡ? ਕੋਲ ਯੂਅਰ ਕੋਪ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਲ ਯੂਅਰ ਕੋਪ ਨਾਮ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਜਾਂ ਝਾਰਖੰਡ? ਸੋ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਨਾਗਾਲੈਂਡ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਨ ਵਿਚ ਡੇ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਜ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿਡ? 3rd ਆਫ ਦਸੰਬਰ, 4th ਆਫ ਦਸੰਬਰ, 5th ਆਫ ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ 13th ਆਫ ਦਸੰਬਰ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਦਿਵਿਆਂਗ ਜਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਜਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? 1992 ਤੋਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 1992 ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਹੈ, ਕੰਸੀਡਰ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪਿਨਾਕਾ ਐਕਸਟੈਂਡਿਡ ਰੇਂਜ ਰੋਕੇਟ ਸਿਸਟਮ। ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੀ ਪਿਨਾਕਾ ਅ ਮਲਟੀ ਬੈਲਰ ਰੋਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਸਿਸਟਮ ਕੈਨ ਫਾਇਰ ਅ ਸਾਲਵੋ ਆਫ 12 ਰੋਕੇਟਸ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 44 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਸੈਕਿੰਡ, ਦੀ ਨਿਊਲੀ ਟੈਸਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਕੈਨ ਅਚੀਵ ਅ ਰੇਂਜ ਆਫ ਅਪ ਟੂ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਚੂਜ਼ ਦੀ ਕੁਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਔਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, 1 ਓਨਲੀ, 2 ਓਨਲੀ, ਬੋਥ 1 ਐਂਡ 2, ਨਾਈਦਰ 1 ਨੋਰ 2? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਫਟਾਫਟ। ਪਿਨਾਕਾ ਰੋਕੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਡਿਡ ਵਰਜ਼ਨ, ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਬੋਥ 1 ਐਂਡ 2। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਿਨਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕੇਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 35 ਤੋਂ 37 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਉਹਦਾ ਐਕਸਟੈਂਡਿਡ ਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ DRDO ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ DRDO ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਦੀ ਅਰਥਸ ਬਲੈਕ ਬੋਕਸ? ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਤਸਮਾਨੀਆ, ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਜਾਂ ਮੋਜਾਮਬਿਕ? ਅਰਥ ਦੇ ਬਲੈਕ ਬੋਕਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਦੋਸਤੋ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤਸਮਾਨੀਆ ਹੁਣ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਰੋਪਲੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦਾ ਬਲੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਰਥ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਓਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤਸਮਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ Consider the following statement regarding the Ramanujan Prize 2021. Statement number 1. Ramanujan Prize for young mathematicians from developing countries has been given to Professor Neena Gupta. Statement number 2. It is administered by Abdus Salam International Center for Theoretical Physics, ICTP, jointly with DST, that is Department of Science and Tech, and International Mathematical Union. Choose the correct statement or statements. One only, two only, both one and two, neither one nor two. That's all. Five seconds are total. Five, four, three, two, and one. The right answer is both one and two. Ramanujan Prize, December de related question hai, December de current affair naal. ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਐਂਡ ਉਹ ਥਰਡ ਵੀਮੈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹ ICTP ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ DST ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਟਵੈਂਟੀਐਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 2021 ਫਸਟ ਹੈ It has been developed in partnership by Nuclear Threat Initiative NTI and John Hopkins Center. Second, India with a score of 52.8 out of 100 has slipped by 0.2 points since 2019. Choose the correct statement or statements. One only, two only, both one and two, neither one nor two. Dasso shabash. Gal kar rahi hain. ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 2021 ਦੀ ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਹੈ ਵਨ ਓਨਲੀ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ NTI ਤੇ ਜੋਨ ਹੋਪਕਿਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿਦ ਅ ਸਕੋਰ ਆਫ 52.8 ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਕੋਰ ਸੀਗਾ 42.8 ਇਸ ਸਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਊਟ ਆਫ 100 ਤੇ ਉਹ 0.8 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਿਆ 2019 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਭਰਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਸੋ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਚੋਂ ਅਗਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 15 ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 15 ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਗਰ 17 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਦੇ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਰਹੇਗਾ ਹੁਣ 21st ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ Which city has become first Indian city to start ropeway service as a mode of public transport? New Delhi, Bengaluru, Bhubaneswar ya Varanasi? India di kedi city hai jehdi ki ropeway service chalayegi as a mode of public transport? Jive local buses chaldi hai, metro train chaldi hai, us tarike naal ropeway chalya karega ik jagah to dooji jagah tak. So eh kon kedi city de vich ho reha hai? Eh ho reha hai dosto, answer will be D, that is Varanasi. ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ IXPE ਮਿਸ਼ਨ IXPE ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਮੇਜਿੰਗ ਐਕਸ-ਰੇ ਪੋਲੈਰੀਮੀਟਰੀ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਓਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਜੁਆਇੰਟ ਐਫਰਟ ਆਫ ਨਾਸਾ ਐਂਡ ਇਟੈਲੀਅਨ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਟਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਂਥ ਇਜ਼ 2 ਈਅਰਸ ਐਂਡ ਓਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਵਿਲ ਬੀ ਐਟ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਲਟੀਟਿਊਡ ਓਰਬਿਟਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਅਰਥ ਇਕੁਏਟਰ Consider the incorrect statement or statements. Incorrect. One only, two only, both one and two, neither one nor two.
साइंस एंड टेक का एक क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक ना रिलेटेड, तुम्हें पता है ना थोड़े सिलेबस के लिखा हुआ है इकनोमिक इशूज, साइंस एंड टेक इशूज, पोलीटिकल इशूज, तो इस तरीके नाल ही जड़ा है ना थोनू डिटेल दे विच पढ़ना पड़ेगा कि जिहड़े करंट अफेयर्स आते हैं या होर भी जिहड़ियां चीज़ां जनरल नॉलेज दियां है उन्होंने सैगमेंट वाइज थोनू पता होना चाहिए। सो इनका जिहड़ा सही जवाब है वह है नाइदर वन नोर टू, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैगी है आई एक्स पी मिशन पर। अगे चलते हैं जी, नेम द ऑथर ऑफ द न्यूली रिलीज्ड बुक लोकतंत्र राजनीति और धर्म, एम वेंकैया नायडू, विपिन शर्मा, ए सूर्या प्रकाश, प्रतीक भटेजा। बुक्स के उपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बुक्स के ऑथर पूछ लेते हैं। सो एक नवी बुक लॉन्च हुई है लोकतंत्र राजनीति और धर्म, ये जी बुक है ये किन्हां ने लिखी है, अपने वाइस प्रेजिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने लिखी है, विपिन शर्मा ने लिखी है, ए सूर्या प्रकाश जिहड़े कि दूरदर्शन के हैड होंदे सी उन्होंने लिखी है, या प्रतीक भटेजा जी ने लिखी है। तो ये लिखी है जी दूरदर्शन वाले ए सूर्या प्रकाश जी ने, लोकतंत्र राजनीति और धर्म। शिव शंकर मास्टर पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट, पोइट, पॉलिटिशियन, म्यूजिशियन या कोरियोग्राफर। शिव शंकर मास्टर, शिव शंकर मास्टर का रीसेंट निधन होया, ए किड़े फील्ड न रिलेट करते, पोइट, पोलीटिशियन, म्यूजिशियन या कोरियोग्राफर। सो ये दोस्तों कोरियोग्राफर शिव शंकर मास्टर जी, जिन्हों की फोटो भी सामने देख सकते हो। अगे चलते हैं जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट्स पॉपुलेशन इज कन्फाइंड मोस्टली टू राजस्थान एंड गुजरात। सेकेंड है इट इज इन द कैटेगरी ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन IUCN लिस्ट। Choose the correct statement or statements. One only, two only, both one and two, neither one nor two. Great Indian Bustard. So, ये पक्षी होंदा है दोस्तों, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है ही है। राजस्थान ते गुजरात दे वेच इन्दी मोस्टली जिहड़ी पॉपुलेशन है वो पाई जाती है, ते क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी दे वेच हैगा IUCN दे वेच। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैगडालेना एंडरसन हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड या नॉर्वे। मैगडालेना एंडरसन इंपोर्टेंट है क्योंकि हुने हुने पीएम मोदी जी नॉर्डिक कंट्री दी कंक्लेव दे विच भी जाके आए हैं, सैकेंड नॉर्डिक कंट्री दे इंडिया दी कंक्लेव हुई है 2018 तो बाद, तीन देशों की वो यात्रा से भी जाके आए हैं, जर्मनी, डेनमार्क, ठीक है, एंड जर्मनी, डेनमार्क, तीसरी कंट्री कड़ी है दसो रीसेंट दे वेच। ओके चलो ठीक है जी, आंसर है स्वीडन, ठीक है, वैसे ओनली स्वीडन नहीं है, कंट्री कड़ी है तुसी दसोंगे कमेंट दे वेच। मैगडालेना एंडरसन जिहड़ी है वो रीसेंट दे वेच फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बने हैं स्वीडन दे। अगे चलते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज वॉन गोल्ड मैडल अवॉर्ड इन 40th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2021 स्टेट नू गोल्ड मैडल मिले। ट्रेड फेयर होंगे ना हर साल दिल्ली के प्रगति मैदान के, सो जिहड़ा पिछला एडिशन सीगा 40th एडिशन सीगा 2021 सो कि स्टेट नू गोल्ड मैडल मिले, स्टेट सीगी दोस्तों बिहार, बिहार स्टेट नू गोल्ड मैडल दिता गया। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन क्राउंड एज द वीमेन ऑफ द ईयर बाय वर्ल्ड एथलैटिक्स। वर्ल्ड एथलैटिक्स द्वारा वीमेन ऑफ द ईयर का खिताब किन्हों दिता गया, पीटी उषा, सानिया नेहवाल, सानिया मिर्जा या अंजू बोबी जॉर्ज, किन्हों दिता गया जी। द राइट आंसर इज अंजू बोबी जॉर्ज। अगे गल करते हैं, इंडिया एंड बांग्लादेश हैव डिसाइडेड टू सैलीब्रेट द डे ऑन विच इंडिया फॉर्मली रेकोगनाइज बांग्लादेश एज मैत्री दिवस। This day is celebrated on which date? 2nd of December, 4th of December, 6th of December या 7th of December? इंडिया ते बंगलादेश ने एक दिन डिसाइड किया जिन्हों मैत्री दिवस किया है, ये वो दिन सीगा जो 1971 दे विच इंडिया ने बांग्लादेश नू फॉर्मली रेकोगनाइज किया सी एज ए सैपरेट कंट्री। पहला ईस्ट पाकिस्तान हुंदा सीगा, सो उस तो बाद इनू रेकोगनाइज किया गया एज ए सैपरेट कंट्री, वो दिन सीगा दोस्तों 6 दिसंबर का, 6 दिसंबर नू मैत्री दिवस जिहड़ा है वो सैलीब्रेट किया जाता है। 30th नंबर क्वेश्चन वाल चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2022। फर्स्ट, सी ड्रैगन इज ए US लेड मल्टीनेशनल एक्सरसाइज डिजाइन टू प्रैक्टिस एंड डिस्कस एंटी सबमरीन वॉरफेयर,
सेकंड है, इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू, सी ड्रैगन एक्सरसाइज, सी ड्रैगन एक्सरसाइज इसका सही जवाब है दोस्तों वन ओनली, क्योंकि इंडिया पार्ट क्यों नहीं हैगा, इंडिया बिल्कुल इसका पार्ट सीगा, जिहड़ा यूएस ने एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज करवाई थी सी ड्रैगन। ओके, जनवरी का ये क्वेश्चन है, जनवरी रिलेटेड करंट अफेयर का। अगे चल दिया जी, हु इज द फॉलोइंग हैज, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्टेट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने रीसेंट दे विच आपदे 50 साल पूरे होने ते इन्होंने एक ब्रांड एम्बेसडर जिहड़े है वो चूज किए थे, वो कौन है ब्रांड एम्बेसडर, रणवीर कपूर, संजय दत्त, रणवीर सिंह या ऋषभ पंत। ऋषभ पंत नूं तां कीता गया सी उत्तराखंड का, संजय दत्त नूं रखा गया सी अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर। अगे चलते हैं जी, रीसेंटली उजाला स्कीम कंप्लीटिड 7 ईयर्स, इन द लाइट ऑफ दिस स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उजाला स्कीम ने रीसेंट 7 साल पूरे किए, उजाला स्कीम न रिलेट कर दिया हुई दो स्टेटमेंट थोड़े सामने है। स्टेटमेंट नंबर वन, EESL दैट इज एनर्जी एफिशियंसी सर्विसिज लिमिटेड, एनू डेजिग्नेट किया गया इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर दिस प्रोग्राम। सैकेंड है, एवरी डोमेस्टिक हाउस होल्ड हैविंग अ मीटर्ड कनेक्शन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी is eligible to get the LED bulb under the scheme। Electricity news दे विच है, क्योंकि पंजाब दे विच recent दे विच पर मंथ 300 यूनिट फ्री किते जाणगे 1 जुलाई तो, सो उस करके इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। चूज द करैक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, दोनों ही सही है, पढ़ के ही पता लग रहा है कि उजाला स्कीम दे रिलेटेड ये दोनों स्कीम या दोनों स्टेटमेंटा सही है। अगे चलते हैं, Which state received the first prize for efforts towards water conservation in the National Water Awards 2020 organized by Ministry of Jal Shakti? Last year का question है, so National Water Awards 2021 दे विच दिते गए 2020 वास्ते, उन दे विच केड़ी state ने आपदे efforts वास्ते जिहड़ा है वो best state का खिताब मिलिया उन्हां नूं water awards दे विच, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सो ए स्टेट सी दोस्तों उत्तर प्रदेश, एंड ज़्यादा सरप्राइजिंगली ये है कि राजस्थान जिथे पानी की कमी होंगी है, राजस्थान नू आपदे एफर्ट्स वास्ते सैकेंड प्राइज मिलिया, ते थर्ड ते तमिलनाडु सी। 34th नंबर क्वेश्चन करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोलैक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO। फर्स्ट, द हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन द रशियन कैपिटल ऑफ मॉस्को। सेकेंड है, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस दैट वॉज साइंड ऑन 15th of May 1992। CSTO, CSTO बारे दो स्टेटमेंटा दित्तियां गई हैं, तुसीं दसना केड़ी स्टेटमेंट सही है केड़ी गलत है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नो टू। क्वेश्चन क्यों बनया सीगा, क्वेश्चन ता बनया सी कजाकिस्तान एक कंट्री है, कजाकिस्तान जिहदी कैपिटल पहला अस्थाना होंदी सी, बाद च उहदा नाम चेंज करके नूर सुल्तान कर दिता गया। उस कंट्री दे विच ना काफ़ी प्रदर्शन वगैरह होने लग गए थे, कि उन्होंने कजाकिस्तान के जिहड़े प्रेजिडेंट है उन्होंने CSTO जिहड़ी है उहदे तो हैल्प मंगी सी, तो ता करके क्वेश्चन बनिया, दोनों ही स्टेटमेंटा CSTO बारे सही हैगी है। अगे चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेड सेंडरस, रेड सेंडरस बारे स्टेटमेंटा दित्तियां हुई हैं दो। फर्स्ट है, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर ने रीसेंटली कैटेगराइज किया रेड सेंडर्स नू एंडेंजर्ड कैटेगरी दे विच। दूसरा, द स्पीशीज इज एंडेमिक टू डिस्टिंक्ट ट्रैक्स ऑफ फॉरेस्ट इन आंध्र प्रदेश। चूज द इनकोरैक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स, इनकोरैक्ट स्टेटमेंट केड़ियां है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों थोड़ी होंगी है एनवायरमेंट इशूज के, एनवायरमेंट इशूज की अगर आप गल करिए तो उन्हें ये चीज़ा इंपोर्टेंट होंगे है, खास करके IUCN दी कैटेगरीज। सो इनकी जी अंदर जो आंसर है वह है नाइदर वन नो टू, मीनस दोनों ही स्टेटमेंट आई सही है, रेड सैंडलवुड बारे एक दोनों स्टेटमेंट सी। अगे चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड डैश सेल शैल हैंस फोर्थ बी दी मार्क डैज वीर बाल दिवस टू पे होमेज टू करेज ऑफ साहिबजादाज फोर सन्स ऑफ गुरु गोबिंद सिंह द लास्ट सिख गुरु
23rd दिसंबर, 24th दिसंबर, 25th दिसंबर या 26th दिसंबर। नो डाउट हर एक नूं याद होएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वीर बाल दिवस के रूप से केड़ा दिन जिहड़ा डेडिकेट किया है वो है 26th ऑफ दिसंबर। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट केड़ी ऑर्गेनाइजेशन जारी कर दी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम या नन ऑफ द अबव। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 ये कर दिया दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 38th नंबर क्वेश्चन से चल दिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। इंडिया हैज बीन रैंक 83rd इन द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट। सेकेंड है जर्मनी एंड साउथ कोरिया टॉप द इंडेक्स। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स। वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नोर टू। हम बिना देखे सीसी ना लगाई जाइयो सर ने तो सारे स्टेटमेंट सही कितिया हुई है ना, तो ध्यान ना लगाओ जो भी आंसर जो है वह लगाओगे। सो द राइट आंसर इज वन ओनली। 83rd रैंक है इंडिया का, बिल्कुल ठीक है क्योंकि इंडिया को 60 देशों का एक्सेस है विदाउट वीजा। तो अगर आप गल करिए जर्मनी तो साउथ कोरिया नहीं, जापान तो सिंगापुर जोड़े है ना टॉप पर आए हैं। जर्मनी साउथ कोरिया सैकेंड रैंक पर आए हैं। वन ओनली विल बी द राइट आंसर। सो सैकेंड लास्ट क्वेश्चन है जी आज का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमर जवान ज्योति। एस्टैब्लिश इन 1972 इट वॉज टू मार्क इंडियाज विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन 1971 वॉर विच रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। सेकेंड है अमर जवान ज्योति इज नाउ मर्ज विद नेशनल वॉर मेमोरियल प्ले। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स। वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नोर टू। तो दोनों ही स्टेटमेंटा दोस्तों ठीक है, ठीक है। अमर जवान ज्योति ना जी कि इंडिया गेट के उपर जगती सी हूँ इस बार 26 जनवरी से की किया गया नैशनल वॉर मेमोरियल की फ्लेम के नाल मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो अज का लास्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज इन इंडिया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। फर्स्ट है अफ्रीकन चीता इज वल्नरेबल इन IUCN रेड लिस्ट। सेकेंड है मिनिस्ट्री विल बी ट्रांसलोकेटिंग अराउंड 8 टू 12 चीतास फ्रॉम साउथ अफ्रीका, नामीबिया एंड बोत्सवाना टू कुनो पालपुर नेशनल पार्क। चूज द इनकोरेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स। वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नोर टू। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नाइदर वन नोर टू। इंडिया दे विच सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत देती है कि अगले 5 सालों के 50 के करीब जो चीता हैगे है वो साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना तो लैके आते जाएंगे। तो अफ्रीकन जोड़े चीता है वह वर्नरेबल है IUCN की रेड लिस्ट के, ठीक है फ्रेंड। सो 40 क्वेश्चन के थोड़ा जो भी स्कोर रहा उन्होंने तुम कमेंट बॉक्स के दसो, ठीक है, कि किन्ना परफॉर्म किया है। 40 क्वेश्चन के थोड़े किन्ने मार्क्स आए हैं नैगेटिव मार्किंग कट के, ओके है जी। तो अगर थोड़ा जि मैं तुम्हें दसा कि टेबल ऑफ कंटेंट की है डेली बेसिस से जोड़े ऐप के लैक्चर करते हैं तो डेली बेसिस का जो लैक्चर होंगे करंट अफेयर का उन्होंने इस तरीके जोड़ा है किया जाता है कि प्रैक्टिस MCQ किए जाते हैं, ठीक है। फिर इंपोर्टेंट डे किए जाते हैं, न्यूज़ ऑफ नैशनल इंपोर्टेंस जिंद आप स्टेट रिलेटिड करंट अफेयर करते हैं, इकनोमी रिलेटिड न्यूज़, इंटरनेशनल इंपोर्टेंस न्यूज़, साइंस एंड टैक के एनवायरमेंट न्यूज़, ओब्यूचरीज, अपॉइंटमेंट, अवार्ड एंड ओनर, स्पोर्ट्स मिसलेनियस। ये सारा चीज़ा डेली बेसिस से सैगमेंट वाइज डिस्कस करते हैं ताकि थोड़ा कोई भी कन्फ्यूजन जी है वो ना रहे, ठीक है जी। सो लास्ट से मैं एक कोट के नाल लैक्चर खत्म करना चाहूँगा कि खेल तब तक चलेगा जब तक हम जीतेंगे नहीं। सो यही रेगुलैरिटी है जो मैं थोड़ा MCLR किया, मोटिव, कमिटमेंट, लॉयल्टी, रेगुलैरिटी। सो रेगुलैरिटी इन्नी होनी चाहिए है, जज्बा इन्ना होना चाहिए है कि जो तक असी जितते नहीं उदो तक असी छड़ते नहीं, ठीक है जी। सो यह दोस्तों अपना अज का एक मैगा सैशन जिंदे आप करंट अफेयर का जोड़ा है वो चीज़ा कीतियाँ। करंट अफेयर का पहला जोड़ा सैशन है वो आप ऐसे तरीके नैक्सट वीक आप सैशन नंबर 2 लैके आवेंगे उदों तक, ठीक है। तैयारी करते रहो वधिया तरीके, ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।